आप सभी को रमाकांत प्रधान का प्यार भरा नमस्कार। आज बनाते हैं मीन मोइली। मीन मोइली बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, चलिए पहले वो जान लेते हैं। हमने ले लिया रेड स्नेपर, नमक, हल्दी पाउडर, राई, कोकोनट ऑयल, काली मिर्ची पाउडर, कोकोनट मिल्क, करी पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्ची, बारीक कटा हुआ अदरक, टमाटो, नींबू, लहसुन, अदरक जुलियन और पानी। ये बनाने के लिए हमें ये सारे सामग्री ज़रूरत है। तो अब हम कर लेंगे मच्छी का मैरिनेशन। पहले मच्छी में हम नमक डालेंगे, उसके बाद हम हल्दी पाउडर डालेंगे, उसके बाद हम काली मिर्च की पाउडर डालेंगे। और इसमें थोड़ी सी कोकोनट ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, क्योंकि मीन मोइली बनाने के लिए पहले मच्छी को मैरिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। और मच्छी को मैरिनेशन करके हम कुछ टाइम तक बाहर ही रखेंगे उसको। अब हम इस पर डालेंगे नींबू का रस। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम कुछ टाइम के लिए बाहर ही छोड़ देंगे। अब हमने एक पैन ले लिया, इसमें कोकोनट ऑयल को गर्म होने देंगे। अब हमारा कोकोनट ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम उस पर ऐड करेंगे राई के दाने। अब हम उस पर डालेंगे लहसुन। जो भी आप डाल सकते हैं, मेरे को ये दरदरापन अच्छा लगता है तो मैंने इस ये वाला डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ये मुंह पे लगेगा तो मज़ा आ जाएगा। अब हम इस पर डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, उसको अच्छे तरीके से सोते कर लेंगे। अब हम डालेंगे करी पत्ता, उसको भी अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे। अब हम डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज, इसको सौते होने देंगे। अब हम इस पर ऐड करेंगे ग्रीन चिली, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, वन बाई वन ध्यान में रखना और इसी तरीके से घर पे इजी तरीके से बना लेना। अब हम डालेंगे नमक, अब डालेंगे हल्दी पाउडर और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पर ऐड करेंगे पानी और इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अब हम इस पर डालेंगे मैरिनेशन किया हुआ मच्छी। मच्छी को इस मसाला के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इस पर डाल देंगे कोकोनट मिल्क,
इसको अच्छे तरीके से मिला के हम इसको पकने छोड़ देंगे। हमारा मच्छी अभी बहुत सुंदर तरीके से उबल आ चुका है। अब हम इस पर ऐड करेंगे काली मिर्च की पाउडर। अब हम डालेंगे जो अदरक हमने जुलियन काट के रखा था वो डाल देंगे। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से उबल उबल रहा है। और अब हम डालेंगे टमाटर, टमाटर को गलने नहीं देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। है ना, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस है ये। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये घर पे बनाइए और बहुत कम टाइम में ये मच्छी करी बन के रेडी हो जाता है। और बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप सारे स्टेप वन बाई वन सारे फॉलो करना और बहुत ही कम टाइम में ये घर पे बना के राइस के साथ खा सकते हैं ये मच्छी करी। अब देखिए हमारा मच्छी करी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है, बस और थोड़ा सा उबल देना है। फिश करी बन के तैयार हो चुका है, अब हम उसको डाल देंगे प्लेट में। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी प्रोसेस है ये। ये देखिए कितना शानदार कलर है, मच्छी भी कितना बढ़िया तरीके से कुक हो चुका है। इस तरीके से सारे निकाल लेना। ये देखिए बहुत ही लाजवाब कलर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। अब हम उसको कर लेंगे गार्निश। थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा अदरक जुलियन और थोड़ा सा करी पत्ता। और ये पीस मोइली बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बहुत ही सुंदर तरीक़े से बन चुका है, बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत ही लाजवाब है ये। तो घर पे जाइए, बनाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।